दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जिस तरह से बड़े बड़े अभियानों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उसकी कामयाबी की चर्चाएं आज पूरी दुनिया में की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी के पीछे जो सबसे अहम नाम आता है वो है विक्रम साराभाई, जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। यहाँ तक कि उन्हीं के बदौलत ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह ही कई सारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा देश हित में काम आई। और दोस्तों, विक्रम साराभाई न केवल एक भारतीय साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि उनके जैसा सच्चा देशभक्त शायद ही कोई होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से भारत के स्पेस प्रोग्राम में विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त 1919 से, जब गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अम्बाला साराभाई था, जो कि अपने समय के अच्छे खासे व्यापारी थे। इसके अलावा उनकी माँ का नाम सरला देवी। और दोस्तों, शुरुआत से ही भारत के विकास और आज़ादी में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की तरह ही बहुत सारे लोग उनके घर पर अक्सर आया भी करते थे। और शायद राष्ट्रवादी लोगों के बीच पले बड़े होने की वजह से विक्रम साराभाई के अंदर भी बचपन से ही देशभक्ति जाग गई, और वह छोटी उम्र से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात से ही पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया, और वहां जाकर उन्होंने विज्ञान से संबंधित कई सारे उपाधि हासिल किए। हालांकि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने पर वह भारत वापस लौट आए, और यहां पर बेंगलुरु में उन्होंने CV रमन के साथ कई सारे रिसर्च किए। और फिर जब विक्रम साराभाई के रिसर्च की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी, तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSC की उपाधि से सम्मानित किया। और फिर 1942 में साराभाई ने उस समय की प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मृणालिनी से शादी की। हालांकि कहा जाता है कि उनकी शादी में घर के कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था, और साराभाई के भी परिवार के लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हुए थे। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 1947 में भारत भी अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। और अब आज़ादी के बाद विक्रम साराभाई ने महज 28 साल की उम्र में PRL यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस लेबोरेटरी की शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि शाही बाग अहमदाबाद स्थित अपने घर के ही एक कमरे से की थी। और दोस्तों, यहीं से एक तरह भारतीय स्पेस एजेंसी की शुरुआत हुई थी। हालांकि आगे चलकर 1952 में जब और भी जगह की जरूरत पड़ी, तब डॉक्टर CV रमन ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नए कैंपस की बुनियाद रखी। और दोस्तों, इन्हीं महान लोगों की कोशिशों की वजह से ही इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था हमारे देश में मौजूद है। और फिर अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम स्थित रिसर्च सेंटर पर विक्रम साराभाई ने अपनी जी जान लगा दी। और दोस्तों, अब उनकी चाहत थी कि भारत भी और विकसित देशों की तरह ही अपने उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेज सके। और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए उन्होंने त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की। और दोस्तों, डॉक्टर साराभाई ने ही अब्दुल कलाम जी का भी इंटरव्यू लिया था। यहाँ तक कि उन्हीं के सपोर्ट से ही कलाम साहब आगे चलकर देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। और दोस्तों, एक बार APJ अब्दुल कलाम ने खुद ही कहा था कि विक्रम साराभाई ने मुझ जैसे नए चेहरे पर विश्वास जताया, और उन्हीं की वजह से ही मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की प्रतिभा निखर कर सामने आई। साथ ही कलाम जी का ही कहना था कि जब भी मैं किसी काम में फेल होता, तब वह हमेशा ही मेरे साथ खड़े होते थे। इसके अलावा IIM की स्थापना की बात हो या फिर नए रिसर्च सेंटर खोलने की, हर तरह के सामाजिक कामों में विक्रम साराभाई हमेशा आगे रहा करते थे। और उनके योगदान को ही देखते हुए भारत सरकार की तरफ से उन्हें 1966 और 1972 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हालांकि 20 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई अपने साथियों के साथ थुम्बा गए हुए थे, जहां पर एक रॉकेट की लॉन्चिंग थी। लेकिन दिन भर वहां की तैयारी देखने के बाद से जब वह अपने होटल वापस लौटे, तब उसी रात अचानक ही उनका देहांत हो गया। हालांकि दोस्तों, भले ही विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद से देश ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसकी बुनियाद डॉक्टर साराभाई ने ही तैयार की। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दो काम करो, पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।